हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस नेवल के बारे में, जो कि एडीएजी ग्रुप की और एक कंपनी है। और ये कंपनी बाकी दूसरे कंपनी के तरह ही बैंकरप्सी कोर्ट फाइल कर चुका था। तो इसी के बारे में और भी कुछ बातें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त अतनु, आप देख रहे हैं दस गज यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। गुजरात में एक शिप बिल्डिंग कंपनी हुआ करता था जिसका नाम था पीपावन शिपयार्ड। ये कंपनी ज्यादातर डिफेंस ओरिएंटेड शिप ही बनाता था, लेकिन इस कंपनी को आगे चल के रिलायंस एडीएजी ग्रुप के द्वारा एक्वायर कर लिया गया और तब इस कंपनी का नाम हुआ रिलायंस नेवल, जिसे आप और हम शॉर्ट फॉर्म में आर नेवल के नाम से जानते हैं। अब ये कंपनी शेयर मार्केट में आर नेवल के नाम से रजिस्टर्ड है, तो इसी से सभी को पता है। और स्पेशली जब ये कंपनी अनिल अंबानी ग्रुप के हो जाते हैं तब इसके ऊपर ज्यादातर लोगों के इंटरेस्ट निकल आते हैं। बहुत सारे रीजन के चलते ये कंपनी प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया और ये कंपनी फाइनली पहुंच गया बैंकरप्सी में। इस कंपनी के पास 11,000 करोड़ रुपए की डेट ऑलरेडी हो चुका है। तो अब बैंकरप्सी में जब कोई कंपनी चला जाता है तो वो कंपनी फाइनली बेचने के लिए ही जाता है और ये कंपनी भी बेचा जाएगा। तो इसी चीज को आगे रखते हुए रिक्वेस्ट फॉर लेटर मंगवाया गया और यहाँ पर 11 कंपनी के द्वारा इंटरेस्ट शो किया गया। मतलब 11 कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया कि रिलायंस नेवल को वो खरीदना चाहते है। बहुत अच्छा है, क्योंकि 11 कंपनी मतलब एक जो रेट मिलेगा वो अच्छा खासा मिलने वाला है, ऐसा ही सोचा गया। और जब ये प्रोसेस को आगे ले जाया गया और जब फाइनल बिडिंग की टाइम आया तब सिर्फ और सिर्फ 3 ही कंपनी इसमें इंटरेस्ट दिखा पाए। दोस्तों उनमें से एक दुबई और तुर्की के दोनों कंपनी मिलकर एक कंसोर्टियम बनाया और उसी के द्वारा बिडिंग किया गया। अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें तो वो इंडिया बेस्ड कंपनी है और वो गुजरात बेस्ड कंपनी है, एपीएम टर्मिनल जिसे कहा जाता है। और अगर हम तीसरी कंपनी की बात करें जो कि आप हम सभी जानते हैं, जिसे हम लोग नवीन जिंदल ग्रुप के नाम से जानते हैं, तो यही तीनों कंपनी फाइनली जाकर अपना बिड प्लेस कर पाया है या फिर किए हैं। अब ये तीनों कंपनी के अलावा भी कहा जा रहा है कि और एक बहुत ही बड़ा और इस फील्ड में सबसे पुराने कंपनी में से एक कंपनी था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट भी किसी एक टाइम पर दिखा रहा था आर नेवल को खरीदने के लिए। लेकिन वो कंपनी एन मौके पर मतलब फाइनल जब बिडिंग के टाइम आया तब अपने आप को बैक कर लिया। अब दोस्तों कंपनी कौन सा है ये आप सभी के मन में सवाल होगा, तो यहाँ पर कंपनी है रशिया बेस्ड कंपनी, जिसे शॉर्ट में हम लोग यूएससी कहते हैं। और अगर फुल फॉर्म में कहें तो इसे हम लोग यूनाइटेड शिपयार्ड कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। खैर कंपनी क्यों बैक कर लिया, मतलब कंपनी ने क्यों अपना हाथ पीछे खींच लिया, ये है सबसे बड़ी बात। तो दोस्तों जब भी कहीं पर किसी भी प्रोडक्ट की बिडिंग होते हैं, चाहे आप चाहे मैं, कोई भी चीज अगर खरीदने जाते हैं तो पहले सोचते हैं कि उसके यूटिलाइजेशन क्या है, वो चीज किस तरीके से मुझे वैल्यूएट कर सकता है। तो यही चीज यूएससी के द्वारा भी देखा गया। पहले सोचा जा रहा था यूएससी के द्वारा कि अगर वो रिलायंस नेवल को खरीद लेते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 6 वेसल्स बनाने की कॉन्ट्रैक्ट है जो कि रिलायंस नेवल को दिया गया था वो मिल सकता है। खैर गवर्नमेंट ने वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत पहले ही कैंसिल कर दिए हैं, तो ये ऑर्डर तो उन लोगों के पास नहीं जाएगा, मतलब जो भी कोई रिलायंस नेवल को खरीदेगा उनके पास नहीं जाएगा। अब जबकि यूएससी के पास इस फील्ड में मतलब नेवल ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाने के फील्ड में अच्छा खासा या फिर तगड़ा एक्सपीरियंस है, तो इसी को आगे काम में लाने के लिए उन्होंने सोचा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रोजेक्ट 75I जिसके तहत 6 सबमरीन बनाना है उसके कॉन्ट्रैक्ट शायद आर नेवल को मिल सकता है, तो इसीलिए उनके तरफ से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया गया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर भी फेर दिया है पानी, कहा है
के प्रोजेक्ट 75I के तहत जो 6 सबमरीन खरीदा जाएगा वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत ही खरीदा जाएगा। और अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत खरीदा जाता है तो इनमें रिलायंस नेवल की जो भूमिका होगी वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। और यहाँ तक भी खबर आया है कि शायद फ्रांस के साथ ये 6 जो प्रोजेक्ट 75I के सबमरीन है वो बनाया जाएगा, और 3 सबमरीन इंडिया में बनाया जाएगा, 3 सबमरीन शायद फ्रांस में बनाया जाएगा। खैर वो डिफेंस ओरिएंटेड बातें हैं, वो अलग रखते हैं, लेकिन जो बिजनेस की बातें हैं वो ये कि आर नेवल के पास ये ऑर्डर नहीं आएगा। और अगर आर नेवल के पास कोई ऑर्डर नहीं आता है तो यूएससी के द्वारा या फिर किसी भी बाहर की कंपनी जो के डिफेंस के फील्ड में काम करते हैं उनके द्वारा ये कंपनी खरीदना उतना ज्यादा वायबल नहीं रहेगा। और यही सारे कारण हैं जो कि आर नेवल को खरीदने से मना किए हैं यूएससी के द्वारा, या फिर यूएससी के द्वारा खरीदने से इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया है। हालांकि ये बातें भी यहाँ पर जान लेना जरूरी है कि आर नेवल के पास आज के दिन में 11,000 करोड़ के ड्यूज हैं जो कि पे करना होगा जो भी कंपनी आर नेवल को खरीदते हैं उनको। खैर यही सारी चीजें हैं जो कि मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अब दोस्तों उम्मीद यही किया जा सकता है कि कितनी जल्दी ये डील कंप्लीट हो पाते हैं, कौन से कंपनी आर नेवल को एक्चुअल में खरीदते हैं, और उसके बाद आर नेवल के जो शेयर्स हैं उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट दिखाई देने वाला है, ये सारी चीजें आगे चल के हमारे सामने निकल कर आएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।